ये है भारत के पश्चिम कोने में स्थित देश का सबसे बड़ा जिला कच्छ। और संस्कृति को संजोए हुए बन्नी का ये छोटा सा गांव गोरेवली, जहां सूरज की रोशनी तो आती है लेकिन ज्ञान की किरणों का प्रवेश नहीं हो पाया। आज के बाद इस गांव की कोई बच्ची स्कूल नहीं जाएगी। जो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, पास वाले गांव में भेज सकते हैं। अगर हमको आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें पढ़ना भी है। हमें बस डरना नहीं है और अपनी पढ़ाई चालू रखनी है। राजवीर, इस डॉक्यूमेंट्री के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोकेशंस की जरूरत है। एंड वी डोंट हैव मच टाइम। हाय, आई एम बन्नी। जो टुकड़ो आए साहेब जी। तुम मुझे कैसी कैसी जगह पे पढ़ाने के लिए बुला लेते हो। अरे ऐसे पढ़ते पढ़ाते हम एक दिन पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। इस गांव की एक भी लड़की स्कूल पढ़ने नहीं जाएगी। शिक्षण विभाग को जो करना हो करें, लेकिन इस गांव में स्कूल नहीं खुलेगा क्योंकि मैं खुलने नहीं दूंगा। तू घर से बाहर नहीं निकली तो क्या बन्नी भी इस घर में घुट घुट कर जिएगी? बाबा साहेब आम्बेडकर अगर घर में पड़े रहते तो क्या वो महामानव कहलाते? सावित्री बेन फूले के माँ बाप ने अगर उनको घर में बांध के रखा होता तो क्या इतने महान काम कर पाती? पापा कहते हैं सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। ऊंची चमका दे अब मेरी किस्मत की गिन्नी, सफेद रेत की ये चमकीली है चुन्नी। कुछ अलग मिजाज की है ये बन्नी। हेलो छोटा भीम, कैसा है? बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है आपका, GST यानी जियोग्राफी साइंस टीचर। GST है ना बढ़िया नाम। जब तक ये स्कूल रहेगा गांव में शांति नहीं रहेगी, कीड़ा उछलता रहेगा लोगों के दिमाग में। पढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया। Education is the fundamental right of every child. ये उनका हक है। देखिए मैडम, यहाँ की समस्या अलग है, आप जैसे शहर वालों को समझ में नहीं आएगी। बेहतर होगा आप अपना काम करें और हमारे गाँव में दखल न दें। स्कूल जरूर गिरा है लेकिन मेरा मनोबल नहीं। मैं तुझे कहती हूँ, तुझे पढ़ने की जरूरत क्या है? बच्चियाँ ज्यादा से ज्यादा 5वीं तक पढ़ सकती है, उससे ज्यादा पढ़ेगी तो समाज से निकाल देंगे। एक एग्जाम बनी और लाखों लड़कियों की जिंदगी नहीं तय कर सकता। बनी अकेली नहीं है, पूरा देश उसके साथ होगा। बनी का एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता है क्योंकि इसके पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं। गांधी जी, सरदार पटेल, अम्बेडकर जी, उनके माँ बाप क्या बैरिस्टर थे? देखिए सर, बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं मगर स्कूल ही नहीं है। मास्टर, क्यों बेकार के लपड़े में टांग अड़ा रहे हो? फाफड़े खाओ। अरे फाफड़े का बस, पगार मिल रही है ना? आप जैसे अफसरों की वजह से ही आज हमारा देश इतना पीछे है। आप खुद पढ़े तभी तो आपको आज नौकरी मिली है ना। डिपार्टमेंट के पास और भी बहुत काम रहते हैं, खाली नहीं बैठे हैं। हम आपसे क्या मांग रहे हैं? सिर्फ बन्नी का हक? नहीं, बन्नी का नहीं, पूरे देश की बेटियों का हक है। और कितना इंतजार। इसीलिए हमारी सरकार को बार बार कहना पड़ता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मुझे लगता है हम लोगों से पहले ये बात आप लोगों को समझना ज्यादा जरूरी है। हैं जिसके इरादे चट्टान से आंखों में सारा आसमान है, तरकश में तीर उमंगों के सपनों से भरा ये गुलदान है। नाकामी जिसे देख के काटे है कन्नी, सफेद रेत की ये चमकीली है चुन्नी। कुछ अलग मिजाज की है ये बन्नी। कुछ अलग मिजाज की है ये बन्नी। औरत के बारे में घटिया सोचने वाले आदमी नहीं हुए, अभी तक उनकी सोच नहीं बदली, इसीलिए निर्भया कांड जैसी घटनाएं हर रोज घट रही हैं। पापा! हारते वो नहीं जो कमजोर होते हैं, हारते वो हैं जो हथियार डाल देते हैं। तुम्हें लड़ना है और जीतना भी। कुछ अलग मिजाज की है ये बन्नी। कुछ अलग मिजाज की है ये बन्नी।